नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज। स्पिन आई न्यूज में आज बातचीत करेंगे चिंतन शिविर के। जी हाँ, आज चिंतन शिविर का तीसरा दिन है और इसमें जबरदस्त हंगामा हो रहा है। चिंतन शिविर में आज हंगामे का आसार इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो सीनियर नेता है वो पूरी तरीके से नाराज चल रहे हैं। चिंतन शिविर में एक खास बात आज ये भी देखने को मिला कि हिंदुओं को लेकर जो है मांग उठ रही है कि हिंदुओं के कार्यक्रम में भी नेता शामिल हो ताकि उसे एक सॉफ्ट हिंदुत्व होने का लोगों के अंदर, जनता के अंदर एक मैसेज जाएगा। देखिए, चिंतन शिविर का जो मकसद था वो अभी तक तो समझ में नहीं आया। भले आज प्रेस रिलीज करेंगे, प्रेस पे अपनी बातें रिलीज करेंगे चिंतन शिविर खत्म होने के बाद, लेकिन वाकई में जो इंटेंशन, जो मकसद था, क्या वो पूरा हुआ है, क्या उस पर बातें हुई हैं? जब नेताओं से बातचीत हो रही थी तो यही निकल कर आया कि अभी तो जो अंदर चल रहा है वो लोगों के सामने नहीं रखा जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि चिंतन शिविर का मकसद तो यही है, कांग्रेस को दुरुस्त करना, कांग्रेस को मजबूत करना। जो अंतरकलह, देखिए सबसे बड़ी बात जो हम आप दर्शकों को बता रहे हैं कि अंतरकलह है जो, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे? एक तरफ आप चिंतन शिविर चला रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में आपको सुनील जाखड़ आपका झटका दे रहे हैं, वो दामन छोड़ दे जा रहे हैं। तो कांग्रेस राह तलाश रही है, रास्ते बना रही है, लेकिन नेता उस पर चलने को तैयार नहीं है, यही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। तो सीनियर लीडर जो है ना वो आज हाहाकार मचाने वाले हैं कांग्रेस के चिंतन शिविर में। क्या कुछ होता है आज, हर एक अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और कहीं ये सीनियर नेता ये तो नहीं कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का इस्तीफा हो, क्योंकि सोनिया गांधी के इस्तीफे को लेकर बहुत जो है बवाल मच रहा है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को मौका दिया जा सकता है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ये ड्रामेबाजी हम लोग पिछले एक से दो साल से देखते आ रहे हैं, कांग्रेस में कुछ हो नहीं रहा। लेकिन उम्मीद तो यही किया जाएगा ये चिंतन शिविर से कि हंगामे अपनी तरफ है, तहलका अपनी तरफ है, नेताओं की मर्जी अपनी तरफ है, लेकिन कम से कम इस लायक इन चिंतन शिविर से लोग मिलकर ये जरूर बना ले कांग्रेस के नेता कि आखिर 2024 या फिर आगे विधानसभा चुनाव के लिए, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से कैसे फाइट या मुकाबला करेंगे, इसके लिए जरूर जो है अपने आप को तैयार कर ले। नहीं तो आने वाला दिन और भी बस से बदतर हो जाएगा कांग्रेस के लिए और कांग्रेस अपने आप को खोज भी नहीं पाएगी कि कहां चली गई, क्योंकि पांच राज्यों के बाद जो झटका मिला है उसका सिर दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये हमारा आप अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में नेता नहीं, पंजाब में पार्टी नहीं, क्योंकि पूरी तरह से खत्म हो गया सुनील जाकर इस्तीफा, नवजोत सिंह सिद्धू का अलग ड्रामा, जो तमाम चीजें देखते हैं कि आज चिंतन शिविर में क्या कुछ होता है। हर एक अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पिन आई न्यूज़। नमस्कार।